क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है तुझे कॉलेज जाने में भी लेट हो रहा है ना, पर मैं क्या करूँ, एक ऑटो नहीं मिल रही है, तुम्हारा खाना भी नहीं। दिखता नहीं है क्या? बोली बाइक देख के नहीं चला सकते थे क्या? मुझे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं खुद अपने हाथों से धो दूंगा। तमिल भाई गॉड, आंटी के नखरे तो देखो, तुम्हारी जैसी औरतें ना मेरी कमजोरी है, पर ज्यादा नखरा क्यों तो उठवा लूंगा, समझी? चल निकल निकल। आजकल के लड़के इतने बदतमीज हो गए हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ मम्मी, अब घबराई क्यों लग रही है? दरअसल आज एक बदतमीज लड़के से मेरा सामना हो गया। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। अच्छा सुनो, तुम घर पर ही रहना, मैं बस 10 मिनट में पहुँचती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं कैंटीन से खा लूंगी और घर पे ताला लगा के ना मैं चाबी गमले के नीचे रख दूंगी। अच्छा सुनो, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ, ठीक है? बाय। हाय, कैसी है? हे या हाय या तुम्हारे लिए पार्क में सरप्राइज है।
उदास है कोई तेरे जाने से। हो सके तो लौट आओ किसी बहाने से, बस एक बार ही पलट के देख लो कोई टूट गया है तेरे दूर जाने से। कौन है जो इतने दिनों से मुझे ये फूल और कार्ड्स भेज रहा है? सुनीता से दिल की बात कह के रहूंगा। फोन को अभी आना था, कबीर का फोन। हाँ कबीर, तुझसे कुछ जरूरी काम था, कहाँ है तू? यार अभी नहीं आ सकता, थोड़ा सा जरूरी काम में बिजी हूँ। जरूर तू उस लड़की के पीछे लगा होगा, क्या नाम था उसका? उदिता है ना? हाँ यार कबीर, यार आज तो बड़ी मुश्किल सुनीता से बात करने की हिम्मत जुटाई थी, तेरे चक्कर में वो भी मौका हाथ से निकल गया। मेरी बात सुन, जैसे आज ये मौका मिला है ना, ऐसे मौके और भी मिलेंगे, ठीक है? एक काम कर, तू मुझसे आके मिल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, ठीक है? चल ठीक है, आता हूँ। और भाई मजनू, मेरी वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया ना, लेकिन भाई तू एक बात बता, तू एक ही लड़की के साथ कैसे सेटल हो सकता है? मेरा मतलब तालाब में इतनी सारी मछलियां भाई, और ये कि एक के पीछे पड़ा भाई, वो तो तेरे और मेरे लिए है ना, इससे तो एक भी सेट नहीं हो रही है भाई, मेरे लिए उल्टा ही है। इसे तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यार भाई तुझे मेरा असाइनमेंट करना होगा, सोच ले ये पत्ती तेरी हो सकती है, और वैसे भी तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल और कार्ड्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, ये पैसे उस काम आ जाएंगे। ये तो अपने काम पे लग गया, अब हम भी अपने काम पे लगे। यार ये नवीन उस लड़की को पटा तो पाएगा नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता। मैं सोच रहा हूँ तू ना हम ही उसी की सेटिंग करवा दे। हाँ वैसे भी वो बेचारा हमेशा हमारे प्रोजेक्ट बनाता रहता है, तेरी मर्जी, तू जानता है उदिता को? हाँ चले चल। उदिता को बताएंगे कि नवीन ने उसके लिए भिजवाए। ओए वो रही उदिता, वो ब्लू टॉप वाली? नहीं नहीं वो ब्लैक टॉप वाली।
प्लीज सुनीता, मैं बहुत हिम्मत करके तुम्हारे सामने आया, मेरा दिल मत तोड़ो, नहीं तो ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम कबीर है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था, बस तब से ना तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गई हो। क्या चाहते हो? एक मुलाकात, प्लीज सुनीता सिर्फ एक बार मिलो, मेरा दिल मत तोड़ना, प्लीज सिर्फ एक बार ही मिल लो प्लीज। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। सच? थैंक यू, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी खुशियां दे दी। प्लीज तो नवीन की सेटिंग कराने आया था और खुद की सेटिंग कर ली। सेटिंग तो इसकी मेरे साथ होनी चाहिए। तो उस नवीन का क्या करेंगे? उससे ना तो प्यार का झुनझुना बजाने दे। मम्मी, कैसी हो मम्मी? ठीक हूँ बेटा। क्या बात है मम्मी, अब सुबह भी परेशान लग रही थी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, सुबह सुबह एक लड़के से मेरी बहस हो गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, अब मेरे साथ चलिए, मैं खुद अपने हाथों से धो दूंगा। बहस हो गई? कोई जानवर से कम नहीं था वो, बड़ा बदतमीज लड़का था। खैर वो सब छोड़, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? मेरा दिन तो बोरिंग ही बीता मम्मी। पर कुछ देर पहले मैं किसी से मिली। मेरा नाम कबीर है, कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था, बस तब से ना तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गई। और उससे मेरे को ऐसा लगा मानो मेरा दिल ही सवर गया। किससे मिली? वो मम्मी मेरी बचपन की दोस्त थी ना, शालिनी, उससे मिली। हाँ शालिनी, कैसी है वो? ठीक है। अब तो खुश है ना? इसलिए तो इतनी खुश हूँ। चल जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है। कहाँ रह गई ये उदिता, अभी तक नहीं आई। सुन कबीर, नवीन कॉलेज आ गया है। भाई मैं उदिता के लेफ्ट विंग में वेट कर रहा हूँ, अबे वो भी उसी तरफ से वहां आ रहा है। भाई तो एक काम कर, किसी भी तरह उसका ध्यान भटका के रख, उदिता आती होगी यार, मैं आज के आज ही उसे पटा लूंगा। ठीक है? चल ठीक है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।